न्यायाधीश महोदय मथुरा के यहाँ आज सिविल रिव्यू की सुनवाई थी और जैसा कि विगत कई महीनों से देखा जा रहा है रिवीजन करता स्वयं इसको टालते नजर आ रहे हैं क्योंकि माननीय सिविल सीनियर डिवीजन में उनका 7 रूल 11 से बहस करना नहीं चाहते, उससे भागना चाहते हैं। 25 तारीख जब वहाँ जुलाई नियत की गई थी तब भी उन्होंने एडजमेंट दिया था, ये बहस नहीं करना चाहते हैं। और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय मथुरा के द्वारा बार बार पत्रावली पर आदेश करने के उपरांत इन्होंने सुनील सरल वकबोर्ड के लिए पैरवी नहीं की, पैरवी दाखिल नहीं की। ये एक सिविल प्रोसीजर का नियम है कि अगर आप किसी को पार्टी बनाते हो तो उसके लिए पैरवी आपको दाखिल करने पड़ेगी, स्टेप लेने पड़ेंगे और उसमें सारी चीज़ आपको दाखिल करनी पड़ेगी। तो रिविजन करता उसमें कोई पैरवी दाखिल नहीं करते। माननीय न्यायालय द्वारा कई बार ऑर्डर सीट पर इसका उल्लेख किया गया, तब उन्होंने 5 नवम्बर को उसमें पैरवी करना बताया है, जबकि आज 10 नवम्बर है। तो यह संभव नहीं है कि सुनील सरल वकबोर्ड इतनी जल्दी आ सकें, अभी तो वो नोटिस भी नहीं पहुँचे होंगे। 28 नवंबर फिर उन्होंने आज भी समय मांग लिया, उन्होंने कहा हमें समय दे दिया जाए, तो 28 नवंबर उनको समय मांगने पर 28 नवंबर इसमें तय कर दी गई है। हम लोग को पहले से इसमें अपियर है, जवाब दाखिल कर दिया, हमेशा तैयार होकर आते हैं, बहस करना चाहते हैं, लेकिन रिविजन करता के जो अधिवक्ता हैं वो हमेशा इसको लिंगर ऑन करते हैं, किसी न किसी की एन के एन प्रकरण वो इसको टालने की गरज से टालते चले जाते हैं। आज श्रीकृष्ण मामले में क्या सुनवाई हुई? देखिए, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह पक्ष हाजिर हुआ है, लेकिन उनके जो सहायक पार्टी है सुन्नी वक्फ बोर्ड जान के हाजिर नहीं हो रहे हैं। वो जान करके इसलिए हाजिर नहीं रहे, उनके पास किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है कि जब लोअर कोर्ट में हाजिर हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर होने में क्या दिक्कत आ रही है उनको, क्योंकि वो जानते हैं उनके पास किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसे लिंगर ऑन करना चाहते हैं, एक रणनीति है उन लोगों की कि इस केस को आगे नहीं चलने दिया जाए। उस रणनीति के तहत ही शाही ईदगाह पक्ष हाजिर हो गया है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो रहा है। उनको प्रॉपर नोटिस दिए गए हैं, नोटिस मिलने के बाद भी वो हाजिर नहीं हो रहे। उनके अधिवक्ता को बाई पोस्ट दिया गया है, बाई हैंड को नोटिस दिया गया है, अब इसमें पुनः उनको नोटिस दिया गया है और अब माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 28/11 लगाई गई है। 28/11 में हमें आशा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर होगा, लेकिन ये इनकी एक सुनियोजित षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के तहत कोर्ट की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इसकी सुनवाई ना हो, क्योंकि काशी के मामले में इस तरह का प्रोपोगंडा इनके द्वारा किया गया, वहाँ पर भी उन्होंने पूरा हिंडेंस पैदा किया, कमीशन नहीं जाने देना चाहते थे। 7 रूल 11 का एक सहारा लेकर के, कभी प्रेस एक्ट 1991 का सहारा लेकर के ये कोर्ट की कार्रवाइयों में हिंडेंस पैदा करते हैं। इनकी शुरू से ये टैक्टिस रही है, एक रणनीति रही है, लेकिन अब इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा 28/11 तारीख निर्धारित की गई है, 28/11 में इसमें सुनवाई होगी।